नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ राजेश। आप जो देख रहे हैं फार्मर हेल्पिंग चैनल। किसान भाइयों, जैसे आपका मिर्च का खेती बाड़ी में हर किसान का क्या समस्या होता है, कुकरपन बीमारी का समस्या होता है, लीफ कर्ल वायरस इंसेक्ट का समस्या होता है, सफ़ेद मक्की का समस्या होता है, थ्रिप्स इंसेक्ट का समस्या होता है, क्या करते हैं आप अलग अलग कंपनी का अलग अलग दवा इस्तेमाल करता है, लेकिन आपको रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है। आप क्या करते हैं, पहला जो स्प्रे करता है दूसरा बार और कोई भी कंपनी का इस्तेमाल करता है आपका खेती बाड़ी में, लेकिन आपको जो लॉन्ग टाइम जो रिजल्ट मिलना चाहिए आपको इतना नहीं मिलता है। तो इस वीडियो में जो बात करने वाले मिर्च के लिए स्पेशल जो कीटनाशक है, बायो कीटनाशक एक्सन 500 जो होता है ग्रीनलैंड कंपनी का दवाई है, बेहतरीन काम करता है मिर्च का खेती बाड़ी में। इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं रात चूसने वाले कीटों जो आता है सब्जियों का, कारपास का खेती बाड़ी में, धान का खेती बाड़ी में, टमाटर का खेती बाड़ी में, भिंडी का खेती बाड़ी में, बैंगन का खेती बाड़ी, लेकिन मिर्च का अंदर रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो आप जब आप मिर्च का खेती बाड़ी करते हैं 100 ज़रूर इस्तेमाल करना कुकरपन बीमारी का नियंत्रित करने के लिए। इसके अलावा साकिंग पेस्ट, हर किसान का समस्या होता है मिर्च का अंदर, तो उसके लिए भी आप 500 इस्तेमाल कर सकते हैं। 500 जो बायो पेस्टिसाइड, उसका साथ क्या कर सकते हैं आप PGR प्लेन गुड टोनिक एक साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकता है, दूसरा कोई भी कीटनाशक एक साथ मिक्स करके भी, रात चूसने वाली जो होता है थाइमोथोक्सियम एसीपेट इमिडाक्लोरोपीड एक साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकता है, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। 500 जो बेहतरीन काम करते हैं मिर्च का खेती बाड़ी में, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। रिजल्ट स्प्रे करने के बाद लगभग 10-12 डेज का अंतराल में आपको रिजल्ट भी मिल जाए कि अच्छा काम किया नहीं किया, आपको आसानी से पता चल जाएगा। किसान भैया, जैसे आपका मिर्च का खेती बाड़ी में कब इस्तेमाल करना चाहिए 500 को, जैसे नर्सरी तैयार के बाद लगभग 20-25 का जो पौधों हो जाता है मिर्च का, इसी टाइम पहला स्प्रे कर लेना है, दूसरा स्प्रे फूल आने से पहले दूसरा स्प्रे कर लेना है, तीसरा स्प्रे मिर्च का खेती बारे में फसल का जो प्री मेच्योर फसल होता है मिर्च का, इसी टाइम आप क्या करना है तीसरा स्प्रे करना, बेहतरीन काम करता है मिर्च का कुकरापन बीमारी का नियंत्रित करने के लिए, आपको टेंशन खत्म हो जाएगा। किसान भाई, क्या समस्या आता है मिर्च का खेती बारे में, कुकरापन बीमारी कब आता है, जैसे फसल मिलने के बाद भी आ सकता है, फसल मिलने से पहले से भी आ सकते हैं, इस टाइम क्या होता है कुकरापन बीमारी आने के बाद फसल अच्छा नहीं मिलता, आपको नुकसान होता है, इसीलिए आप क्या करना है जब आप मिर्च का खेती करते हैं तो आप 500 का इस्तेमाल जरूर करना। आई बात करने वाले 500 जो ग्रीनलैंड कंपनी का दवाई है, इसका डोसेस कितना छिड़काव करना है, इसका डोसेस पर लीटर पानियों में, मतलब 1 लीटर पानियों में 1-1.5 ml तक इस्तेमाल करना है, बेहतरीन काम करता है। पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, तीसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। किसान भाइयों, 500 का रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन मिलता है, आप क्या करना टेंशन नहीं लेना है, जब आप मिर्च का खेती करते हैं तो इसका इस्तेमाल जरूर एक बार कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करने के बाद रिजल्ट भी आपको बेहतरीन मिलेगा। आज बात करने वाले इसका कीमत का बारे में, जो 500 उसका 10 ml का कीमत लगभग 100 रुपये का अंदर आपको मार्केट में मिल जाएगा, इतना महंगा भी नहीं है, इसीलिए आप मिर्च का खेती बाड़ी में जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में जो बात कहता है 500 का बारे में, जो मिर्च का स्पेशल बायो कीटनाशक, आप 500 आपका खेती बारे में इस्तेमाल किया था, रिजल्ट कैसे मिला कमेंट करके जरूर बताना, और इसके अलावा आप चैनल में नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।